पंजाब हुकूमत जो है वो निशानदेही करने वालों के खिलाफ पीछे पड़ रही है। समा टीवी के रिपोर्टर ने कल्सूम नवाज साहिबा को वैक्सीन लगाने का मामला जो है वो हाईलाइट किया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तसलसल है 3 साल का, जो इनकी चोरी को निशानदेही करेगा, जो इनकी करप्शन को निशानदेही करेगा, जो इनकी नाअहली नलायकी को करेगा, ये उसी के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब आप देखें कि आपका डेटा इतना फ्लॉड है कि आपकी एंट्री इतनी फ्लॉड है, और इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हो सकते हैं, आपकी ट्रैवल के ऊपर रिपरकशंस हो सकते हैं कि ये बग़ैर किसी रिकॉर्ड को देखे ये वैक्सीनेशंस को लगा रहे हैं। पहले आपने देखा 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की वैक्सीनेशन का अंदराज हुआ, फिर कुलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा की मरहूमा की कल हुआ, उसके बाद इसहाक डार साहब की हो गया। मतलब आप देखें कि ये असल में किस जगह के ऊपर निशानदेही है। वो निशानदेही करने वाले जो हैं वो उनके पीछे पड़ गए हैं, अरेस्ट कर लिया। मैंने सुना कि वो जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की उनको भी अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने इंदराज जब वो कंप्यूटर पर बैठे हुए थे वो, मतलब आप वो तो वही कर रहा है इंदराज जो आपको उसको हुक्म मिल रहा है। आप NCOC के लेवल पर देखें कि ये क्यों इस तरह की हरकत हो रही हैं, या फिर लोग अंदर इनसे इतने तंग हैं कि वो इस तरह की काम करें। मेरे ख्याल में ये कलेक्टिव नुकसान है, और इस किस्म की जो हरकतें हैं ये नहीं होनी चाहिए। जो निशानदेही करता है उस मसले का हल तलाश करना चाहिए, ना कि निशानदेही करने वाले को सजाए मौत की चक्की में डाल दें, नैपके वाले कर दें, अरेस्ट करवा लें, उस पर हीरोइन डाल दें। ये तरीके ठीक नहीं है, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ता, बल्कि और ज़्यादा इंतशार जो है वो इससे बढ़ेगा। और आपने देखा कि कल डॉक्टर्स को जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह बड़ा, ये डॉक्टर्स वो लोग हैं जो कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रख कर ख़तरे मोल लेकर किस तरह उन्होंने कोविड पेशेंट्स के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है, और आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, पुलिस उनको मार रही है। मतलब आप उनको बात करें, उनको टेबल पर बैठाएं, लेकिन डायलॉग में, मुशावरत में, किसी किस्म की कंसल्टेशन में, जब मुल्क का वज़ीर आज़म कहता हो कि मैं अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत नहीं करूँगा, तो वही मैसेज बुज़दार साहब को है, वही मैसेज तमाम वज़रा को है कि यही माइंडसेट है, यही रवैया होना चाहिए, और इसी किस्म का जो फाशिस्ट अमल है वो आप करें।